स्कूल का कल बंद है क्या? दिवाली की यस छुट्टी कब है? दिवाली की छुट्टी कल कल से ही है। से? ओके जी, तो कुछ पूछना भी है तुम लोगों से को। जहां तक अभी हुआ ईएमआई में, हेलो, सब क्लियर है ना अभी तक जो हुआ? सर वो जो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन बताते हैं ना सर, वो वाला टॉपिक दोबारा से समझा देना थोड़ा सा। ओके चलो स्टार्ट करें क्या? यस सर। देखो अगर सिंपल में समझाया ना, ठीक है, लेंज लो अगर हम सिंपल में समझाएं, ठीक है, जैसे कि मान लो इसको एज ए रिकैप देख लेते हैं हम लोग। है, क्लियर है ना? हेलो, यस सर। दिख रहा है ना जो लिखा हुआ है? ठीक यस सर। है, तो अगर हम रिकैप करें तो सबसे गुड पहले अगर इवनिंग बात सर। करें लेंस, गुड इवनिंग, तो अगर सबसे पहले हम बात करें, देखो लेंस लॉ में क्या होगा कि मान लो एक ये क्वायल है, ठीक है, एक क्वायल है अपने पास, और इस क्वायल से मान लो इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, ये बी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है, ठीक है, लैग नहीं ना हो रही है ये बता दो आप? नो सर। ठीक है, तो अगर इसके अंदर बी मैग्नेटिक फील्ड है तो अगर हम बात करें मान लो कि ये जो बी है, ठीक है, वो बी क्या हो मान लो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बी जो है टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर बी टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इससे जो है फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, इस क्वाइल से क्या है फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा, बोल सकते हैं ना? ठीक है, तो यस इस सर। क्वाइल से अगर फ्लक्स इंक्रीज, इस क्वाइल से अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या चाहेगा क्वाइल? फ्लक्स को डिक्रीज करना। बोलो ये क्या चाहेगा क्वाइल? की फ्लक्स डिक्रीज हो। तो अभी देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, बी इन, हो रहा है, ठीक है, बी क्या है इंक्रीज हो रहा है इस रीजन में, इस क्वाइल के यस सर, आपकी अंदर वॉइस लैग क्या हो है रही है। बी इंक्रीज हो रहा है, तो इस क्वाइल में इस तरह से फ्लक्स जनरेट होगा ना, इस तरह से ईएमएफ आएगा ना, ताकि जो करे
इन केस में फ्लो वो हेलो यस यस हेलो यस सर ठीक है यस सर अब ठीक है। इसमें देखो क्या हो रहा है, इस क्वाइल में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि इंक्रीज हो रहा है इसलिए फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि इस क्वाइल की बात करो, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इसमें करंट इस तरह से प्रोड्यूस होगा ताकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना इसको ये अपोज करे, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये क्वाइल में करंट इस तरह से फ्लो करेगा ताकि जो ये जो डायरेक्शन है ना करंट के उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट कर पाए। तो अब ये बताओ, अगर मान लो एक क्वाइल है, एक क्वाइल है ऐसा, और इस क्वाइल में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ मेरे तरफ मान लो ऐसे इस डायरेक्शन में चाहिए, क्योंकि देखो ये बी इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें करंट अगर ये देखो ये क्वाइल अगर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस कर लेगा तो क्या होगा उससे, उससे ये होगा कि ये इफेक्टिवली इस बी को डिक्रीज करना शुरू कर देगा ना। यस यस हाँ, तो इसमें इस तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में चाहिए तो करेंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए ना, बोलो तभी होगा ना। सॉरी सही गलत है ना, ये बाहर सर एंटी क्लॉक, हाँ एंटी क्लॉकवाइज होगा ये करेंट अगर ऐसे आएगा तो इसमें बी बाहर की तरफ आएगा ना। यस सर यस। तो अगर इसमें मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो गया, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू हो गया तो क्या होगा, इस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ जाएगा अंदर में जो कि इंड्यूस होगा, ठीक है। और वो इफेक्टिवली क्या करेगा, ये इंक्रीज हो रहा था तो इस इंक्रीज को ये क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, ठीक है। अगर उसी तरह से अगर मान लो सेम सिचुएशन रहता है, सेम सिचुएशन ऐसा रहता है कि सेम क्वाइल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी है अंदर की तरफ और ये बी जो है वो घट रहा है, तो अब ये क्वाइल क्या चाहेगा, इस बी को इंक्रीज करना ना। यस अब बी घट रहा है तो इसको अभी इंक्रीज करना चाहेगा, तो इंक्रीज करने के लिए तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होना चाहिए ना। यस सर। तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने के लिए जो करेंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर देगा ना। यस सर क्लॉकवाइज। तब इस करेंट सॉरी यहाँ पे इस करेंट के कारण जो बी होगा वो अंदर की तरफ आएगा, इस करंट के कारण जो बी होगा वो अंदर की तरफ आएगा, तो इफेक्टिवली बी क्या हो रहा है, अब ये बढ़ाना शुरू कर दिया। तो होता क्या है ना, होता ये है कि जो भी चीज होगा ना, मान लो कि जो भी उसको प्रोड्यूस कर रहा है, मान लो ये करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो जो देखो करंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो वो उसी को अपोज कर रहा है, देखो यहाँ पे बी इंक्रीज हो रहा था तो यहाँ पे बी को अपोज कर रहा था, वो डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पे बी डिक्रीज हो रहा था और इस डिक्रीज के कारण करंट आया और वो करंट क्या किया, इस बी को इंक्रीज करने लगा, ठीक है। तो जो भी चीजें होगी ना वो उसका अपोज ही करेगा, अगर मान लो कि जो भी प्रोड्यूस कर रहा है इसको, ठीक है, जैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसी को अपोज कर रहा है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो कि एरिया भी चेंज होता, ठीक है, तो एरिया अगर मान लो ये क्वायर है ऐसे, ठीक है,
इस कॉइल का मान लो कि हम लोग साइज बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एरिया चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी है अंदर की तरफ, ठीक है, और इस बार एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया इंक्रीज हो रहा है तो उसमें भी इसके साथ क्या हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स जो होता है बी जो के होता है, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें देखो फ्लक्स को ये डिक्रीज करना चाहेगा, ठीक है, तो अब ये एरिया के साथ तो ये कुछ नहीं कर सकता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज करना शुरू कर देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, करेंट इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा स्लो, ताकि इफेक्टिवली इससे जो है इसमें जो एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आ जाए बाहर के तरफ, जो कि इस बी को डिक्रीज करे, है ना। यस ठीक है, तो यही लेंज लॉ कहता है कि जो भी करेंट या ईएमएफ, एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, और इस ईएमएफ के कारण करेंट आता है क्योंकि इसके पास कुछ रेसिस्टेंस है। तो हम लोग यहाँ पे जो इफेक्टिव इसको ऐसे बना सकते हैं ना कि अगर इसके जगह मान लो कि एक ऐसा बना दे और यहाँ पे एक बैटरी लगा दे, ऐसा ऐसा, तो इस बैटरी से क्या होगा, अब करेंट फ्लो होना शुरू होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अगर हम इसमें बनाना चाहे, इसमें अगर बनाना चाहे तो जो बैटरी है वो इस तरह बनेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसमें करेंट ऐसे आएगा, ठीक है। यस यस सर। ओके, क्लियर है ना ये। यस यस क्लियर है। चलो तो आज का जो अपना टॉपिक था ना, तो देखो ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन, ठीक है, कि अगर मान लो ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ रॉड ले लेते हैं, मान लो रोटेशन ऑफ रॉड, ठीक है, कि एक रॉड है, मान लो कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे ना कि एक रॉड चल रहा था, ठीक है, उसके कारण मान लो कि ऐसा रॉड था, ठीक है, वो किसी वी वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड में, बी मैग्नेटिक, इसका लेंथ एल है, ठीक है, मूव कर रहा था, तो जो वहां पे ईएमएफ आता था वो आता था वी क्रॉस बी, ठीक है, एक मिनट रुक जाना यार, क्या हुआ, आवाज लैग नहीं ना कर रही है। नो सर। ठीक है ना, फिर लैग करेंगे तो बोलना, ठीक है। तो इसमें जो ईएमएफ आता था वो क्या गया था, वी क्रॉस बी डॉट डी एल, ठीक है, या एल ले लेते हैं, एल वेक्टर, यार थोड़ा ऊपर आ जाता है ये, उसको नीचे ही लिखते हैं, बी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर। अगर मान लो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि देखो वेलोसिटी और लेंथ आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो वेलोसिटी है वो लेंथ के अलोंग परपेंडिकुलर है, और बी जो है वो अंदर के तरफ है, तो बी वेलोसिटी और लेंथ दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वहां पे हम लोग लिख देते थे ई एम एफ इक्वल टू वी बी एल, ठीक है, समझ गए। अगर मान लो कि अगर मान लो कोई परपेंडिकुलर नहीं रहता, तो हमने सिखाया था क्या करना है कि L को ले लेना है रेफरेंस, ठीक है,
और उस एल के परपेंडिकुलर वाला, देखो हमने क्या बोला था, ई एम एफ इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर एल, एल को एक रेफरेंस ले लेना है ठीक है, और एल के परपेंडिकुलर भी ठीक है, और एल के और भी के दोनों के परपेंडिकुलर वाला बी लेना है ठीक है। तो वहां से हम लोग ने ये फॉर्मूला लिख लिया था कि भी परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर एल, अगर तीनों परपेंडिकुलर है तो ये डायरेक्ट आ जाएगा बी बी एल ठीक है। इसमें दो तीन एग्जांपल भी हम लोग किए थे ठीक है। अगर एक और एग्जांपल जो लास्ट वाला एग्जांपल हमने किया था वो इस तरह से था रेल वाला ठीक है। तो रेल वाला में क्या होता है ना, देखो ऐसे कि रेल वाले में ऐसा होता है कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है ठीक है, और एक रेल इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे एक रॉड है ठीक है, यहाँ पे एक रॉड है, इस रॉड को भी वैल्यू से इधर दे दिया, इसका लेंथ एल है, इस रेसिस्टेंस का आर है ठीक है। तो इसमें अगर मान लो कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बी है इस पूरे रीजन में ठीक है, तो इस रॉड में एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और वो ईएमएफ जो होगा वो होगा बी वी इंटू एल, हमने डायरेक्ट लिखा क्योंकि देखो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है ठीक है, वी और एल तो परपेंडिकुलर है ही, लेंथ के परपेंडिकुलर ही वैल्यू से की है, और बी भी अंदर की तरफ है, तीनों के परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर, तो ये ईएमएफ आ गया बी वी एल ठीक है। तो इस ईएमएफ के कारण हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, इस रॉड को हटा कर एक बैटरी लगा सकते हैं ऐसे ठीक है, कि मान लो कि एक रॉड था अपने पास, उसको हम लोग बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं कि ऐसा एक बैटरी हो गया ये ठीक है, और इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा बी बी एल ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये रेसिस्टेंस है, ये एक तरह से मान लो क्लोज सर्किट बन गया ना, जिसमें कि एक बैटरी लगा हुआ है बी बी एल और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है ठीक है। तो यहाँ पे जो करेंट आ जाएगा वो आ जाएगा ई एम एफ बाई आर ठीक है, ई एम एफ बाई आर, और ई एम एफ है बी बी एल बाई आर ठीक है। यहाँ तक तो हो गया था ना क्लियर? यस। अब हमसे एक चीज और पूछा था कि मान लो कि इस रॉड को, ये रॉड देखो एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इस रीजन में पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है बी, और ये रॉड में करेंट फ्लो कर रहा है ठीक है, करेंट क्यों आया, इंड्यूस करेंट आया, और उस करेंट के कारण क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी रॉड ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी रॉड रखा हो उसमें करेंट है, तो उसमें क्या होता है फोर्स लगता है ना, मान लो कि मैग्नेटिक बी मैग्नेटिक फील्ड में करेंट कैरिंग वायर है या रॉड है, तो उस पे जो फोर्स लगता था वो आई बी एल लगता था ना, बोलो फोर्स इक्वल टू आई बी एल जी, यस यस सर, लैग कर रही है क्या आवाज अनमोल? नहीं सर ठीक है अभी ठीक है। तो बी बी एल है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लग जाएगा फोर्स इक्वल टू आई बी एल ठीक है, आई बी एल, और आई का वैल्यू ये आ गया, आई का वैल्यू आ गया बी बी एल बाई आर और इंटू बी इंटू एल ठीक है। तो यहाँ से जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू बी बाई आर, यही आ जाएगा ना? यस यस सर ठीक है। तो ये फोर्स आ गया। अब देखो इस फोर्स की अगर डायरेक्शन की बात करें, इस फोर्स का अगर तुम डायरेक्शन देखोगे तो वो फोर्स किधर लग रहा होगा, कोई डायरेक्शन बताएगा, करेंट ऊपर लग जा रहा है ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इस रॉड पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा ना? यस सर, लेफ्ट हैंड साइड ठीक है। तो मान लो इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो अब देखो ये इस पे फोर्स इधर लग रहा है और ये जा रहा है इधर, यानी ये फोर्स क्या है इसको रोकेगा, ये फोर्स क्या है इसको रोकेगा, रोकना चाहेगा क्योंकि इसका वेलोसिटी इधर है, और मान लो कोई एक तरह से इधर इसको घींच रहा है इस डायरेक्शन में ठीक है। तो ये इस ये क्या होगा, इस पे वेलोसिटी कम करने का कोशिश करेगा ये फोर्स, तो इसको अगर सेम वेलोसिटी से मूव कराना है ना, इसको अगर सेम वेलोसिटी से मूव कराना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्वल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा एफ एक्सटर्नल ठीक है। अगर सेम वैल्यू से किसी इसको अगर मूव कराना है तो इस डायरेक्शन में ये जो एफ मैग्नेटिक फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स आया उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा ताकि ये सेम वैल्यू से किसी मूव करे। तो टू मूव विथ सेम वैल्यू से की, टू मूव विथ सेम वैल्यू से की, विथ सेम वैल्यू से की
वी हैव टू अप्लाई अप्लाई फोर्स एफ एक्सटर्नल, ठीक है। और वो जो एफ एक्सटर्नल होगा ना, वो जो एफ एक्सटर्नल होगा, वो एफ एक्सटर्नल एफ मैग्नेटिक के बराबर ही होना चाहिए। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ मैग्नेटिक, और जो एफ मैग्नेटिक आया वो कितना आया, वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। क्लियर है? एफ मैग्नेटिक की से डायरेक्शन कैसे पता करें? हमने बताया था ना ये सब डायरेक्शन, कि अगर मान लो कोई भी करंट ऐसे है ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर है, तो राइट हैंड पाम रूल से बताए थे ना कि करंट के डायरेक्शन में थंब को करना है, और जो भी फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो पाम क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके सर। यहाँ पे देख लो तुम, लेफ्ट में आया ना यस सर, हाँ जी, हाँ यस जी सर, चिराग लेफ्ट। सुनेहा, यस सर, हो गया। ठीक है, लाडली, हिमांशु, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स है वो इधर लगेगा, और ये जा रहा था इधर, वेलोसिटी इसके पास इधर था, ठीक है। जो मैग्नेटिक फोर्स लगा वो इधर लगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, ये इसका वेलोसिटी कम होना शुरू होगा। तो अगर सेम वेलोसिटी मेंटेन रखना है तो हमें सेम इक्वल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि एफ नेट जीरो हो जाए, ठीक है ना। यस सर। चलो, तो ये था क्वेश्चन अपना एक, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था। तो ये हो गया रिकैप, और क्वेश्चन करेंगे इस पे अभी, ठीक है ना। चलो एक और कर ही लेते हैं, कि मान लो एक अच्छा क्वेश्चन है ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे एक रॉड रखा हुआ है ऐसे, वो रॉड जो है कुछ इस तरह से है, ये जो रॉड है वो कुछ इस तरह से है, कहाँ से ऐसे, ये 53 डिग्री एंगल से ये एक रॉड है। इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है, बार बार ये क्यों आ जा रहा है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी इस रीजन में, वो दिया हुआ है कुछ ले लेते हैं, एक्स 3J+4kF टेस्ला, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है ये, और ये रॉड है, इस रॉड को इधर वेलोसिटी दिया गया है, वेलोसिटी ऐसे दिया गया है एक्स डायरेक्शन में, और वो वेलोसिटी जो है वो भी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और इस रॉड का जो लेंथ लेंथ है, ठीक है, मान लो 5 मीटर का है, ठीक है, 5 मीटर का लेंथ है। तो इससे पूछा है मैग्नेटिक, जब ये मूव कर रहा है तो क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उसका पूछा है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा इसमें, ठीक है। यस सर, तो कैसे निकालेंगे, सर पहले चेंज इन फ्लक्स निकालेंगे भी। नहीं ईएमएफ का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, यस सर, d∅/dt। नहीं ये नहीं, ये तो रॉग है ना, ये तो बी दिया हुआ ना, ये रॉग है, ठीक है, ये क्या है, एक ये अपने पास रॉग है, और ये रॉग मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो एक रॉग मूव करता है तो हमने क्या लिखा है, बी वी एल ना, यस सर, ठीक है। यस अब हमने क्या बोला था कि लेंथ को हमें रेफरेंस ले लेना है, और लेंथ के परपेंडिकुलर भी लेना है, ठीक है। तो ये अपना लेंथ है, तो लेंथ के परपेंडिकुलर भी देखो, तो भी का दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर आएगा, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होगा, और एक इधर आएगा जो कि पैरेलल होगा, ठीक है। यस सर,
ये अगर 53 है तो ये भी 53 होगा होगा ना, यस सर, तो यस भी सर, परपेंडिकुलर जो आ जाएगा अपना वो आ जाएगा, देखो ये कॉस वाला आएगा ये साइन वाला, यानी भी साइन 53, या इसको हम लिख सकते हैं 2 × sin 53, sin 53 4/5, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8/5, ठीक है, ये वेलोसिटी आ गया, ठीक है, भी परपेंडिकुलर। अब देखो हमें लेना है बी, ऐसा बी लेना है जो कि इस भी के और रॉड के दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो देखो बी का दो डायरेक्शन है, बी दो डायरेक्शन में है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग है और एक जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो कौन सा बी जो है दोनों के परपेंडिकुलर है बताओ, वेलोसिटी का और इसके, ये वाला ना, यस सर, के कैप बोला। के कैप वाला ना, क्योंकि के कैप का जो है वो बाहर की तरफ है, ठीक है, वो बाहर की तरफ है, ये एक्स, ये वाला जो इस डायरेक्शन में है, जो बी जो इस डायरेक्शन में, वो तो लेंथ के परपेंडिकुलर है ही नहीं ना, ठीक यस सर, है, तो अगर हम बी परपेंडिकुलर की बात करें तो वो हो जाएगा 4 टेस्ला, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से जो ईएमएफ आ जाएगा वो आ जाएगा बी भी परपेंडिकुलर एल परपेंडिकुलर, या ऐसा लिख लो, ठीक है, तो यहाँ से बी परपेंडिकुलर 4, भी परपेंडिकुलर 8/5, और एल जो सॉरी सॉरी, हाँ एल तो 5 है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, बट 32 वोल्ट ना, ठीक यस है, तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर यस देखो तीनों अगर इस तरह से परपेंडिकुलर दे दिया है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट बीवीएल लगा देंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग एंगल पे है सभी तो हम लोग वहां पे चेक करेंगे। तो हमने क्या बोला था कि लेंथ को हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, लेंथ को हम लोग रेफरेंस ले लेंगे और उसका लेंथ के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी लेंगे, और लेंथ और बी दोनों के परपेंडिकुलर वाला बी लेंगे, ठीक है, यस सर, उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं फिर डायरेक्ट। अगर मान लो तीनों वेक्टर फॉर्म में दिया हो, तीनों अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, तब तो मेरे पास फॉर्मूला था ईएमएफ इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर, ठीक है, तो पहले वी और बी का क्रॉस ले लेंगे और फिर एल के साथ उसका क्या कर देंगे, डॉट कर देंगे, क्लियर है, ठीक यस सर, है, तो जब अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो ना तीनों, तो डायरेक्ट इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कर सकते हैं। चलो ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ, फिर ये परेशान क्यों हुई आज, ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ कितना ज्यादा, क्या रहा है ये, देखो ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो अब क्या है कि मेरे पास एक रॉड है, ठीक है,
वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है मान लो, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, एक रॉड है, मान लो एक रॉड है इस तरह से, ठीक है, ये रॉड, और ये रॉड क्या है, इस पॉइंट के अबाउट मान लो ये पॉइंट पी जो यहाँ पे मान लो हिंज किया हुआ है, और ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, इसका लेंथ एल है, ठीक है। यस तो अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अगर हम बात करें देखो कि अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है ना, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसके हर एक पॉइंट, ठीक है, इस रॉइड का हर एक पॉइंट के पास अभी अभी मान लो ये ऊपर जाने वाला है, ठीक है, अगर ये घूम रहा है तो अभी कुछ देर बाद क्या होगा, ये ऊपर जाएगा ना रॉइड, इस तरह से इस पॉइंट के बाद घूम रहा है, तो ये सब पॉइंट ऊपर जाएगा, ये पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर ये पॉइंट ऊपर जाएगा, हर एक पॉइंट किसका क्या होगा, इस पॉइंट को छोड़कर सभी पॉइंट क्या होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा ना, ठीक यस है। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि इसके हर एक पॉइंट के पास ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी है, ऐसे बोलो, ठीक यस है। तो एक ऊपर की तरफ, हर एक पॉइंट के पास एक ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, यानी हर एक पॉइंट किसका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी एक तरह से मान सकते हैं कि हर एक पॉइंट कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अगर मान लो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आकर, ठीक है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आकर एक छोटा सा डी एक्स का लेंथ लेंगे, डी एक्स लेंथ, तो ये इस डी एक्स को सिर्फ देखो, इस डी एक्स को देखो, तो इस डी एक्स के पास कुछ वेलोसिटी होगा ऊपर, और वो वेलोसिटी होगा एक्स इंटू ओमेगा, ठीक है, ये जो डी एक्स लेंथ था। तो इस डी एक्स में एक ई एम एफ आएगा, अगर हम उसको डी ई बोल दें, तो वो जो डी ई आएगा वो आ जाएगा बी भी इंटू एल, तो बी भी जो हो गया एक्स ओमेगा, और जो एल है इसका डी एक्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से डी ई लिखे तो ये हो जाएगा बी इंटू ओमेगा एक्स डी एक्स। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर एल तक, ठीक है, तो ये टोटल ई एम एफ आ जाएगा ना, ये स्मॉल ई एम एफ आया सिर्फ इसमें छोटे से एलिमेंट में। तो अगर हम इसको पूरा ई एम एफ चाहिए, टोटल ई एम एफ चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन में बी ओमेगा कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा 0 से एल तक, ठीक है, और एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल। तो तुम यहाँ पे वैल्यू रखोगे ना, लिमिट पुट करोगे, तो ये आ जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, है ना। तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, तो तुम ऐसे कर सकते हो कि इस रॉड को हटाकर एक बैटरी लगा सकते हो ऐसा, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, और इसमें जो ई एम एफ आएगा वो आएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। इसका डायरेक्शन हमने ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो हर एक पॉइंट के पास वेलोसिटी ऊपर है, ठीक है, वेलोसिटी ऊपर है, बी अंदर है, ठीक है, तो यहाँ से देख लो डायरेक्शन किधर होगा, हाइपोटेंशियल का कल सिखाए थे ना, हाइपोटेंशियल का डायरेक्शन कैसे देखते हैं हमने, देखो यहाँ पे ये पॉइंट पी था ना, मान लो इस पी के पॉइंट के बाद घूम रहा है, तो हमने पी पॉइंट के तरफ ही हाइपोटेंशियल दिखाया ना, जो बैटरी बना उसका कल बताए थे ना, कैसे देखते हैं अजी अनमोल। सर देखो अगर सर मैंने तो मैं बताता हूँ क्या करना है, कि देखो इसमें हमने क्या पता किया कि हर एक पॉइंट के पास वेलोसिटी ऊपर है, ठीक है, तो जो थंब होगा अपना, ठीक है, वो थंब किसके डायरेक्शन में होगा बोलो, बोलो की डायरेक्शन में सर। थंब जो होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, थंब जो होगा वो वेलोसिटी को पॉइंट करेगा, फिंगर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड को वो मैग्नेटिक फील्ड को करेगा पॉइंट बी को, ठीक है, तो जो अपना पाम होगा, पाम क्या देगा, हाइपोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। ठीक है, हाइयर पोटेंशियल चेक कर लो यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी अनमोल देख लो, कल तुम नहीं थे ना, ये तो कल ही हो गया था, चेक कर लो। हाँ जी क्लियर है,
देखो भी सर। ऊपर है, ठीक है, भी ऊपर है यानी थंब ऊपर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो मैं, ठीक है, जो फिंगर है वो अंदर जाएगा, तो पाम जो है पी पॉइंट को पॉइंट कर रहा है ना, तो जो पी पॉइंट के तरफ होगा वो हाइपोटेंशियल होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे भी बना दिया था यस डायरेक्ट, यहाँ पे ऊपर के तरफ, तो यहाँ भी उसी तरह से देखना है, बी के डायरेक्शन में थंब करना है, बी के डायरेक्शन में फिंगर करना है, और अपना पाम जो देगा वो हायर पोटेंशियल, तो इसलिए हमने हायर पोटेंशियल ऊपर ही बनाया, ठीक है। यस सर, चलो, यस तो अगर कोई रॉड, ठीक है, एल लेंथ का रॉड, ठीक है, पी पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट कर रहा हो, ठीक है, तो उसमें जो ईएमएफ आता है वो आता है बी वी एल स्क्वायर बाई टू, क्लियर है। सर, ओके, यस अब यहाँ सर। पे अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें, कुछ अलग केस ले इसका, ठीक है, एज ए एग्जाम्पल ही लेकर चलते हैं, ठीक है, कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में अंदर की तरफ है और एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है इस तरह से, और ये रॉड इस बीच पॉइंट सेंटर पॉइंट से अपने मान लो, ठीक है, इस सेंटर सी मान लेते हैं और ये ए ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं, ये सी के अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा से, इसका जो टोटल लेंथ है वो एल है, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ एल बाई टू हो जाएगा और यहाँ से यहाँ एल बाई टू हो जाएगा ना। यस तो तुम अगर ये देखोगे कि इसका अगर इधर इधर वाले जितना भी पॉइंट होगा उसका वेलोसिटी किधर होगा ये बताओ तो तुम, अपवर्ड एक्शन में सर, अपवर्ड, और इधर वाले का देखो जब ये रोटेट करेगा ना तो जो पॉइंट के इधर है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, पॉइंट के इस डायरेक्शन में वो सब तो ऊपर जाएगा ना, देखो रोटेशन का सिंबल बनाया हुआ ना, ऐसे रोटेट कर रहा है, यानी ये सब ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा ना, यस सर, डाउनवर्ड होगी सर। ये तो इसका वेलोसिटी डाउनवर्ड है, ठीक है, तो देखो यहां से यहां तक एक ईएमएफ आएगा, मान लो अगर हम ये सी ले लेते हैं, ठीक है, तो ईएमएफ यहां से यहां एक आएगा और एक यहां से यहां, तो अगर देखो यहां से यहां तक में, ठीक है, सी जो है हाई पोटेंशियल पे होगा, ठीक है, सी अगर इस यहां से यहां तक की बात करें तो सी जो होगा हाई पोटेंशियल पे होगा, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं वी सी माइनस वी ए, वो हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर, एल के जगह आ जाएगा एल बाई टू का स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल आ गया, ठीक है, यस सर, सर फिर अगर बाय हम में ये, टू, अच्छा बाई टू है ना, हाँ ठीक है, अगर हमें सेम यहां से यहां तक देखना है तो यहां से यहां तक, अब बताओ हाई पोटेंशियल पे कौन होगा, सी होगा सर, सी ही होगा ना, यस सर, देख लो बी अंदर ही है, ठीक है, वेलोसिटी है वो नीचे आ गया, ठीक है, तो इस बार भी दिखा रहा है सी ही हाई पोटेंशियल पे होगा, सही है ना, सी ही होगा ना, यस सर, सी होगा। चलो हाँ, तो यहां से लिख सकते हैं वी सी माइनस वी बी इज इक्वल टू बी ओमेगा एल बाई टू का स्क्वायर अपॉन टू, अगर इसका वैल्यू अगर लिखे तो ये हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट, और ये भी हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट, क्लियर है, तो यस हम सर, इसको ऐसे बना सकते हैं, यस देखना सर, ध्यान देना ऐसे, ये पॉइंट था बी, ये सी, और फिर एक इधर बैक की लगाना है, ये ए है ना, बोलो सर, अगर हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछता, अगर मेरे से ऐसे क्वेश्चन में पूछता कि हमें बताओ वी बी माइनस वी ए क्या होगा, ठीक है, यानी ए बी और ए के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, तो तुम ऐसे कर सकते हो, तुम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक तो नहीं निकाल पाओगे क्योंकि हमने जो ये फॉर्मूला लगाया है ना, ये फॉर्मूला वो हिंज पॉइंट के अबाउट लगाया है, ठीक है, तो तुम यहां से यहां में क्या करना कि दोनों पॉइंट का निकाल लेना, यहां से यहां तक का निकाल लेना, फिर यहां से यहां तक का निकाल लेना, जैसे हमने ये किया और ये किया, ठीक है, और हमको चाहिए बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए करने के लिए ना तुम क्या करो, अगर इसको टू ले लो और इसको इक्वेशन वन ले लो, तो टू माइनस वन करोगे तो देखो आ जाएगा वो, टू माइनस वन करोगे ना, सॉरी वी बी माइनस बी है ना, तो ठीक है,
हम लोग करते हैं 2 माइनस 1, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना, बी ए माइनस बी बी, चलो बी ए माइनस बी बी करते हैं, जो भी पूछेगा ना निकाल सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो बी बी माइनस बी ए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इससे माइनस करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो जैसे ही इसको इसको माइनस करोगे ना, यानी 2 माइनस 1, ठीक है, तो इस साइड अगर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा बी सी माइनस बी बी माइनस ये माइनस बी सी माइनस बी ए इज इक्वल टू ये माइनस ये, ठीक है। तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो ना। और यस सर यहाँ से क्या आ जीरो जाएगा, यहाँ से कैंसिल। देखो, यहाँ से सॉल्व करोगे तो बी सी कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बी ए माइनस बी बी और ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। यस समझ गए, यहाँ से भी तुम देख सकते हो, यहाँ से अगर तुम यस यहाँ सर पे आओगे, ठीक है, बी से ए पे आओगे, तो देखो तुमने पहले यहाँ से यहाँ तक गेन किया पोटेंशियल, ठीक है, और सेम पोटेंशियल है, ये भी है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट और ये है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट। तो यहाँ से तुम यहाँ पे आए, पहले मान लो बी से सी पे आए, तो तुमने देखो लो से हाई पे आए, यानी पोटेंशियल का गेन हुआ तुम्हारा इतना से, और जब सी से फिर एट पे जा रहे हो, ठीक है, तो हाई से लो जा रहे हो ना, लूज कर रहे हो ना, तो यहां से यहां आने में तुम्हारे पास कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। यस ओके, तो सर ये अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करें, एक एग्जांपल, एज ए एग्जांपल ले, ठीक है, तो एज ए एग्जांपल हम ऐसा लेते हैं एक रॉड, ठीक है, एक रॉड ये, और हम लोग ऐसा कर देते हैं कि एक ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट LY3, ये पॉइंट 2LY3, ठीक है, ये जो O पॉइंट है इसके अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है, ये पॉइंट ले लेते हैं A और ये पॉइंट ले लेते हैं B, ठीक है। तो हमसे पूछा है मान लो B A माइनस B B, ठीक है, यस सर चलो कैलकुलेट करो। फोरन सर आई गेस, क्या आया? हेलो, फोर आई गेस, नहीं वो तो बीवीएल के टर्म में भी आएगा ना कुछ, जब तुम माइनस करोगे तो कुछ आएगा ना, बी ओमेगा एल भी आएगा ना, यहाँ तो ये दोनों सेम था तो कैंसिल हो गया ना। तुम एक बात बताओ, चलो सॉल्व करते हैं, बी बी ओमेगा 4 आएगा सर। ओमेगा एल नहीं आया, नहीं सर 4 आएगा। y4 एल भी आएगा ना, एल स्क्वायर आएगा ना, देखो यस सर आएगा। करते हैं। तो देखो पहले ओ से ए ले, ठीक है, तो ओ से ए में कौन सा हाई पोटेंशियल पे होगा, वो होगा ना यस यस सर जी, वो होगा ना हाई पोटेंशियल पे, सभी क्लियर करो, यस हम सर सब करो, ठीक है। तो अगर हम ऐसा बोले कि
वी ओ माइनस वी ए, ठीक है, जब पहले ओ से ए पे निकाले तो वी ओ माइनस वी ए, तो ये हो जाएगा बी ओमेगा, इसका जो लेंथ है 0 एल वाई 3 है, यानी एल वाई 3 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ से जो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, देख लो बी ओमेगा एल स्क्वायर 9 और ये 18, ठीक है। यस सर, उसी तरह तुम पहले अब ओ और बी में देखोगे तो ओ बी में कौन सा हाई पोटेंशियल पे होगा, ओ वाला सर, ओ ही होगा ना, तो ये आ जाएगा बी ओमेगा यस एल, एल जो होगा अब 2L/3 है सर, स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 4B ओमेगा एल स्क्वायर बाई 18, ठीक है। यस हमें वी ए माइनस वी बी करना है, इस दोनों में से किसी को पहले माइनस कर दो पहले, ठीक है, 1-2 या 2-1 कर दो, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं माइनस करें, 2-1 कर देते हैं, ठीक है, ये माइनस ये, तो ये हो जाएगा वी ओ माइनस वी बी माइनस वी ओ माइनस माइनस प्लस वी ए, यही हो जाएगा ना। सर, ये आ जाएगा ना, यस सर, ये वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, ये देखो 4 और ये 1, ठीक है, 4/18, 1/18, यानी 3 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 18, तो ये 6 से कटिएगा, ये आ जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 6, ठीक है। तो सर, ये है ए माइनस बी, ठीक है, वी ए माइनस वी बी, अगर तुम वी बी माइनस वी ए निकालना चाहेगा ना तो जस्ट इसका निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यस सर, अगर ये निकालना होगा तुम्हें तो ये माइनस ये करना होगा 1-2, ठीक है। सर, क्या गलत कर रहे थे तुम लोग ये बताओ, सेम क्वेश्चन है ना इसका जैसा, इसमें दो देखो दोनों साइड लेंथ एल एल था इसीलिए कैंसिल हो गया, इसमें लेंथ अलग अलग हो गया तो इस पर कैंसिल नहीं हुआ, वो कैंसिल डिफरेंस आ गया जी, क्लियर है, यस सर, क्लियर क्लियर है सर। ओके। देखो यहाँ पे दो पॉइंट है, एक ए और ये बी, ठीक है, यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो मान लेते हैं L/2 और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है इसको ले लेते हैं L, ठीक है, ये ओरिजिन मान लो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड बी ए माइनस बी बी, ठीक है, फाइंड बी ए माइनस बी बी कैसे करेंगे कोई बताओ। पहले वी ओ माइनस वी ए फाइंड आउट करेंगे, हाँ फिर देन वी ओ माइनस वी माइनस बी फाइंड आउट बी, करेंगे, हाँ जी हाँ, फिर और माइनस कर देंगे। हाँ, उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कैसे माइनस करना है, उसके बाद माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देने से बी ए माइनस वी बी आ जा रहा है, ठीक है, यस, चलो करो। सर, इसमें तो दोनों का पोटेंशियल हाई प्रेशर सेम डायरेक्शन में आ रहा है ना, हाँ, तो फिर सर प्लस होगा कि माइनस ही होगा इसमें? हो जाएगा, तुम करके देखो ना, ठीक है, तुम जैसे इक्वेशन लिखोगे ना यहाँ पे लिखोगे ना, तो यहाँ से तुम्हें पता करना पड़ेगा कि किसको माइनस करना, देखो तुम कोई भी माइनस कर लो, जैसे कि मान लो तुम अगर
हम मान लो कि हम लोग ये ना करके, ठीक है, पहले हम लोग क्या किए, ये माइनस ये किए, ठीक है, टू माइनस वन, इसको मान लेते हैं टू माइनस वन किए, तो टू माइनस वन किए तो डायरेक्ट ये आ गया, अगर वन माइनस टू करते तो ये आता, ठीक है, तो जब ये आता ना तो हमें चाहिए एक्चुअली ए माइनस बी, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते इस, ठीक है, इसी को अगर माइनस से तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, यानी वी ए माइनस वी वी आ जाएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो तुम्हारे पास अगर ये आ जाए या ये आ जाए, ठीक है, ये आ जाए तो अगर यही पूछा है और यही आ गया तब तो क्लियर है, चलो यही आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा आ गया ना वी बी माइनस बी ए, लेकिन हमें चाहिए ए माइनस बी, तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा माइनस वाला, ठीक है। यस सर, यस सर, ओके चलो। सर 3/8 बी गर्ल्स 3/8 सही है, 3/8 ही आना चाहिए, ठीक के। यस है, वैसा ही कुछ आना चाहिए, 3/8 करके आया। और किसी का? बस 2 मिनट सर, कर रहे हैं। ओके, चिराग आ गया, लाडली आ गया, सुनेहा गुड़िया है। नहीं आया? ओके करता हूँ सॉल्व। सुनेहा, यस सर, आ गया। ओके, बलप्रीत, अरे एक बार प्लस माइनस का दोबारा समझा, मुझे समझ नहीं आया। चलो करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो पहले तो ये निकालो तुम वी ओ माइनस वी ए, तो ये आ जाएगा अपने पास बी ओमेगा एल स्क्वायर, एल बाई टू का स्क्वायर बाई टू, तो ये आ जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 4/8, ठीक है। यस सर, अब फिर निकालो बी ओ माइनस बी बी, तो ये आ जाएगा बी ओमेगा, इसका देखो लेंथ एल है तो एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टू से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8, ठीक है, तो दोनों के नीचे 8 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट या ऐड करने में इजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि एल क्या वाले में सर 18 आएगा ना नीचे, तो सर वीओ माइनस वीए में 18 आएगा ना नीचे। नहीं, 18 कहाँ से आएगा? 18 तो उसमें इसलिए आया था कि वहां पे 3 था ना, या एल बाई 3 था ना, तो 3 3 जा 9 स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 2 जा 18, ठीक है, कोई फार्मूला ऐसा नहीं है कि 18 आएगा हमेशा, ठीक है, फार्मूला फार्मूला है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे जो एल था वो, हाँ बोलो, ये 2 है, इसमें दिखाना। ये एल बाई 2, ठीक ओके सर, L/2 ही है, ठीक है सर। है, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 1, और ये आ जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 4, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, तो ये 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो वो सेम तरह इसी के तरह आ गया, दोनों के नीचे जो है वो 8 आ गया, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना अब इजी हो जाएगा। तो हमें ए माइनस बी निकालना है, तो हमें मान लो कि कोई भी किसी से भी मल्टीप्लाई क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मान लो वन इसको इससे माइनस कर देते हैं इसको, ठीक है, यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, तो ये आ जाएगा बी ओ माइनस बी ए माइनस बी ओ, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना, यस सर, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8, ठीक है, ये माइनस ये 2 टाइम्स बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8, तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा
वी बी माइनस वी ए ठीक है इज इक्वल टू माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो ठीक है। लेकिन हमें चाहिए था ए माइनस बी ठीक है, पोटेंशियल ए माइनस बी का चाहिए था, हमने निकाल दिया बी माइनस ए ठीक है। तो इसमें अब क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है। तो ये जैसे ही सर माइनस करोगे तो बी वाला माइनस में आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, यानी बी ए माइनस बी बी, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ना। हाँ जी, यस तो सर यही था प्लस माइनस यस समझाने का ठीक है। या तो तुम डायरेक्ट ये माइनस ये करोगे ना, 2 माइनस 1 ठीक है, जैसे कि हमने पीछे किया था इसमें 2 माइनस 1 किया था ठीक है, 2 माइनस 1 तो मेरे पास डायरेक्ट आ गया था ए माइनस बी ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या किए, यहाँ 1 माइनस 2 किए ठीक है, यहाँ क्या किए, ये 1 और ये 2, यहाँ पे क्या किए, 1 माइनस 2 ठीक है, तो ये आया ठीक है। यस सर फिर इसमें ना ये सब बीओ माइनस वीबी, फिर इसमें बीओ बीओ माइनस वीबी बीओ में गैल स्केयर बाय 2 नहीं आना चाहिए। नहीं कहाँ पे, अच्छा अच्छा कुछ गलत हुआ है क्या, नहीं इसमें इसमें नहीं, इसमें तो लेंथ देखो ना, या पूरा लेंथ है ना, एल है, यस ओ से बी में तो लेंथ एल है ना, ओ से ए में लेंथ एल बाई टू था ना यस सर यस ठीक है। सर तो आंसर अपना कितना है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट ना। नहीं तो था हम लोग ऐसा तो कर टी सकते हैं, देखो ना ये ओमेगा यहाँ, हाँ जी बोलो अनमोल, हेलो हाँ जी सर अनमोल बी बोलो, के केस में बी वी ओ माइनस वी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 नहीं लिखेंगे सर। इसमें इस केस में बोल रहे हो क्या, यस एक मिनट कुछ गलत हुआ है क्या इसमें, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू आएगा ना, ये 2 ये 4 8 तो ये सही है, ये 2 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ये बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, और अगर हम मान लो 8 नीचे लाना चाहे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे ठीक है। यस तो ये 4, अच्छा 3 आया था ना आंसर, 3 यस ठीक है, 3 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट ठीक है। हाँ जी स्नेहा यस तुम्हारा यही आया था ना, स्नेहा ठीक यस है ना, 3 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट। सर चलो तो ठीक है, ये अब तो कहीं कैलकुलेशन अब तो सही है, नहीं मिस्टेक हुआ नहीं ना ठीक सर है ना। सही है सही है। चलो अगर हम इसमें कुछ ये एल वाई टू ये एल तो ये एल वाई टू चल ठीक है, तो ये था रोटेशन के कारण, अगर हम ऐसा करें कि मान लो मेरे पास एक डिस्क है ठीक है, ये डिस्क है और ये डिस्क जो है वो अपने सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है, ऐसा कर लेते हैं कि मान लो एक अपने पास इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि एक मान लो साइकिल का रिम है ये ठीक है, और यहाँ पे स्पोक्स लगा हुआ है ठीक है, ऐसा ऐसा बहुत सारा स्पोक्स लगा हुआ है ठीक है, ऐसा इसका जो रेडियस है वो रेडियस मान लेते हैं आर है ठीक है, रेडियस 2 मीटर है ठीक है, और ये ओमेगा इक्वल टू, ये ओमेगा इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे ठीक है। इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो बी मान लो 3 टेस्ला है, तो इसमें पूछा है फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन इच रिम इच स्पोक्स ऑफ द रिम ठीक है, फाइंड ईएमएफ
इंड्यूस्ड इन इच ऑफ फ्रेम, ठीक है, बतला यस सर। सकते हो ना? हाँ जी आया। यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा इसका बताओ कोई, क्या? डिग्री में सर करेंगे सर नहीं, रेडियस ही रेडियन पर, रहेगा। रेडियन पर सेकंड ओमेगा, ठीक है, ओमेगा का यही यूनिक ही है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो बी का वैल्यू दे दिया है, बी 3 टेस्ला, ओमेगा 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर एक रेडियस स्टॉक्स ही हो का जो ये जाएगा। लेंथ है वो रेडियस ही होगी ना, आर ना। तो यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा बी ओमेगा R² / 2, ठीक है। बी का वैल्यू है 3, ओमेगा का वैल्यू 5, और आर का वैल्यू है 2, यानी 2² / 2। एक 2 से 1 2 गया, ये बच्चा 30 आ गया, ठीक है, यस सर। यस सर। समझ गए। चलो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लिखते हैं इस पे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, इस सब पे। ईएमएफ ड्यू टू चेंजिंग एंगल, ठीक है, एंगल के चेंज होने से ईएमएफ कितना आएगा। अगर मान लो मेरे पास कोई क्वायल है, ठीक है, एक मान लो क्वायल है इस तरह से, ठीक है। इस रीजन में अगर हम मान लें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है। यस सर। बोलो, बी मैग्नेटिक फील्ड है। यस अभी अगर मान लो कि इसका एरिया वेक्टर कॉइल का ऊपर होगा इस तरह से, एरिया वेक्टर, ठीक है, ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर है, तो तुम बताओ अभी ये मान लो कॉइल का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड कितने एंगल पे है। 0 डिग्री सर। 0 डिग्री पे है ना, 0 डिग्री पे है। अब मान लो कुछ देर बाद हम क्या करें, इस कॉइल को रोटेट करें, ठीक है, इस क्वाइल को इस डायरेक्शन में ऐसे मान लो, इस एक एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्सिस ले लेते हैं ऐसे, इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ओमेगा से। तो कुछ देर बाद ये क्या होगा, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, इसका ऐसा ऐसा। अब देखो कुछ देर बाद एरिया वेक्टर इसका ऐसे हो जाएगा। हाँ जी, यस यस सर। सर। ठीक है, अभी मान लो कि एरिया वेक्टर क्या हुआ, अब एरिया वेक्टर और बी के बीच जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मान लो थीटा से ये घूम गया, ठीक है, ये अगर थीटा से घूम गया तो अब जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, थीटा आगे जाएगा ना। मान लो ये जो एंगल हो जाएगा, देखो बी का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल ही था, बी ऊपर ही की तरफ था, वर्टिकल था बी का डायरेक्शन, इस तरह से एरिया वेक्टर मान लो ये थीटा आ गया। तो अगर हम यहाँ पे फ्लक्स की बात करें इसके थ्रू, तो जो फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा बी ए इंटू कॉस थीटा आएगा, ठीक यस है। अगर हमें इंड्यूस ईएमएफ चाहिए तो इंड्यूस ईएमएफ होता है d∅/dt, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो d∅/dt, ठीक है, माइनस लगा ही देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस d∅/dt, फाइव के जगह आ जाएगा बी ए कॉस थीटा। देखो ना तो बी चेंज हो रहा है ना तो ए चेंज हो रहा है, हो क्या रहा है चेंज एंगल ना, सर। तो बी ए बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन कॉस थीटा अपॉन डी थीटा है ना।
यस तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस बी ए, ठीक है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस का माइनस साइन, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस साइन यस थीटा बी ए साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, थीटा का और डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। और देखो यस डी थीटा बाई डी टी, डी टी जो होता है ना वो ओमेगा होता है, डी थीटा बाई डी टी जो होता है ना वो ओमेगा होता है, जैसे कि डी एक्स बाई डी टी क्या होता था, वेलोसिटी होता है ना, ठीक यस सर है, तो डी एक्स बाई डी टी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है, और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल है, डी थीटा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, तो किस रेट से एंगल चेंज हो रहा है उसी को हम लोग ओमेगा बोलते हैं, ठीक है, ओमेगा जो अपना होता है ना वो डी थीटा बाई डी टी ही होता है एक्चुअली, ठीक है, जो ओमेगा यूज कर रहे हैं ना वो डी थीटा बाई डी टी ही होता है, ठीक है, ये एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा लिख सकते हैं, तो यहाँ जो ई एम एफ आ जाएगा वो आ जाएगा बी ए ओमेगा साइन थीटा, ठीक है, क्लियर यस है, बी ए ओमेगा सर साइन थीटा, ठीक है, अगर थीटा का, थीटा अगर मान लो ओमेगा से चेंज हो रहा है तो हम थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, ठीक है, तो यहाँ से थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा ओमेगा इंटू टी, तो यहाँ पे तुम वैल्यू रख सकते हो ई इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो यहाँ से जो ईएमएफ आ गया अपना यस ईएमएफ इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा की, ठीक है, ओमेगा क्या है, ओमेगा है कि किस रेट से वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, एंगुलर स्पीड, ठीक है, जो ये रोटेट कर रहा है क्वाइल उसका, ठीक है, तो ईएमएफ आ गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा की, अगर मान लो ये क्वाइल एन टर्न्स का है तो ये आ जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, अगर क्वाइल में एन टर्न्स है तो ये आ जाएगा, ठीक है, इफ क्वाइल है एन टर्न्स, ठीक है, मान लो एन टर्न्स मतलब एक क्वाइल ऐसे 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 करके बहुत सारे टर्न करके क्वाइल बनाया गया एन टर्न्स, तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल ईएमएफ, ठीक है, यस तो कोई क्वाइल अगर मान लो ओमेगा से रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो उसका ईएमएफ आ जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा की, अगर मान लो कुछ नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कुछ नहीं बोला है तो एन का वैल्यू वन ही ले लेना, और ये हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा की, क्लियर है, ठीक यस है ना, तो तो ये था अपना एक, तो इस पे देखो जब क्वेश्चन आता है ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसी तरह से, देखो इसी प्रिंसिपल का जो यूज किया जाता है ना वो थर्मल पावर प्लांट या बोले हाइड्रो पावर प्लांट में इसी तरह का से यूज किया जाता है, वहां पे क्या किया जाता है, एक कॉयल आता है मान लो, ठीक है, इस तरह से कॉयल आता है मान लो, ठीक है, इस कॉयल को क्या किया जाता है, ऐसा मान लेते हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है ना वहाँ भी इसी तरह का यूज किया जाता है, मान लो कि वहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ इस तरह से रख दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे एक कॉयल मान लो इस तरह से रख देगा, मान लो ऐसा, ठीक है, मान लो इस तरह से कॉयल मैग्नेटिक फील्ड इसमें आ गया इस तरह से, और इस कॉयल को क्या करता है, यहाँ से इस कॉयल को यहाँ से रोटेट करता है, ठीक है, रोटेट कराने के लिए कोई भी चीज का यूज कर सकता है, मान लो वाटर का जेट यहाँ पे करे, या अगर देखो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या करता है, पानी से रोटेट कराता है इस कॉयल को, ठीक है, पानी का प्रेशर मान लो इधर से देगा तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, थर्मल पावर प्लांट में क्या करता है, वाटर वेपर से करता है, ये सब आप लोग बीटेक में पढ़ोगे, ठीक है ना, तो थर्मल पावर प्लांट में ये इससे अगर, ठीक है,
तो अगर ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, जैसे ये क्वाइल है ठीक है, क्लोज क्वाइल है, ये रोटेट करेगा तो इसमें ईएमएफ आएगा ठीक है, और यही ईएमएफ क्या करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा यानी बिजली प्रोड्यूस करेगा ठीक है ना। ईएमएफ आ गया तो क्या हुआ, ईएमएफ आ गया तो यस करंट आ गया ठीक है। तो जो थर्मल पावर प्लांट वगैरह है ना, वहाँ पे इसी का यूज किया जाता है ठीक है। एक क्वाइल रहता है जिसको कि टरबाइन बोला जाता है ठीक है ना, टरबाइन वगैरह रहता है, उसी को रोटेट करा के क्या करते हैं, बिजली प्रोड्यूस करते हैं ठीक है। यस सर। ओके तो आज रोटेशन हो गया और ये क्वाइल का, तो देखो इसमें जो है ना क्वेश्चन आएगा ना तो डायरेक्ट किसी तरह से आएगा, सब वैल्यू दे देगा, ओमेगा दे देगा, टाइम दे देगा ठीक है, तो तुम्हें ये पूछ सकता है। और ये अगर हम ईएमएफ मैक्सिमम कितना इंड्यूस हुआ है उसकी बात करें, ई मैक्स, तो देखो ई मैक्स क्या होगा, यहाँ से अगर हम ई मैक्स की बात करें, ई मैक्स ठीक है, तो ई मैक्स में क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी 1 होगा ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है ना ठीक यस है। तो हम लोग ई नॉट अगर लिख दें या मैक्सिमम वैल्यू, तो ई नॉट जो आ जाएगा वो आ जाएगा एन बी ए ओमेगा ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ से ऐसे भी लिखते हैं, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ठीक है। जी यस तो ये है ई मैक्स, भी लिख सकते हो उसको ई मैक्स भी बोल सकते हो कि मैक्सिमम इतना ईएमएफ जनरेट हो रहा है ठीक है। तो ये था ईएमएफ क्यू रोटेशन, ये क्लियर है ना इस रोटेशन वाला। और देखो मेन जो है ना इसमें, इस टॉपिक में ठीक है, यही तीनों है ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर आगे करेंगे इंड्यूस इंडक्टर वगैरह, तो सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन जो अपना मेन टॉपिक है ना इसका वो यही सब था, फैराडे लॉ, लेंज लॉ ठीक है, इस पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी का मैंने बहुत सारा करवा चुका है, करवा दिया हूँ ठीक है। जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते थे कि करेंट का डायरेक्शन किधर होगा ठीक है, या अगर मान लो कि वो मैग्नेट वाला करवाए थे ना कि एक्सलरेशन ज्यादा होगा या कम होगा जी से, तो दोनों केस में जी से कम ही आया था ठीक है। इस तरह का रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, इस तरह का क्वेश्चन इस पे आता है। फिर आ गया इमोशनल ईएमएफ में, ये सब ठीक है, कल भी जो सब क्वेश्चन करवाए थे ईएमएफ इंड्यूस का ठीक है, वो सब भी। और फिर आ गया इमोशनल में, ये ट्रांसलेशन के कारण प्लस फिर रोटेशन के कारण, फिर हो गया एक एंगल चेंज का, क्लियर है। यस ओके हाँ जी, मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो या डीपीपी जो भी है आपके पास सर। सर PYQ ट्राई कर रहे हैं। कर रहे हो रहा है PYQ ठीक यस सर। कुछ हो रहे हैं सर। है। अनमोल तुम्हारा पीछे वाला कैसे होगा ये बताओ। रिकॉर्डिंग देख लूंगा। रिकॉर्डिंग अपलोड हो गया, चेक यस किए सर हो होगी। गया ना ठीक यस सर चेक किया। यस है। और किसी को कुछ पूछना हो नो सर। आज के क्लास का, कुछ पूछना है। देखो ऐसा करो ना, चलो थोड़ा सा आज यहीं पे रोक देते हैं ना। इसमें कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, कर लेना आप लोग। ऐसा एक क्वेश्चन कल भी दिए थे ना, नो सर। हो गए थे सब क्लास में। R1 R2 एक रॉड है,
जिसको कि बी वेलोसिटी से मूव करा रहा है, लेंथ एल है, और इस पूरे रीजन में जो बी है मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड करेंट इन आर वन एंड आर टू, ठीक है। तो होगा क्या, इसको मूव करने से क्या होगा, इसमें ईएमएफ आएगा, और इस ई में ईएमएफ आने के कारण क्या होगा, करेंट इससे निकलेगा और कुछ करेंट इधर जाएगा, कुछ करेंट इधर जाएगा। तो वही बताना है कि आर वन और आर टू में कितना करेंट है, क्लियर है? यस सर। आर वन और आर टू की नहीं, आर वन आर टू की वैल्यू नहीं है, वही उसी के टर्म में निकालना है, बी वी एल आर वन आर टू के टर्म में निकालना है, ठीक है। ओके सर। ओके हाँ जी सुनेहा बोलो। नहीं सर, वो गलती से टच हो गया था। ओके कोई ना। ये डिस्क है, ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ठीक है। ये सेंटर है, इसके वक्त मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे दो पॉइंट है, ठीक है। मान लो यहाँ से इस पॉइंट पे पी है और यहाँ पे क्यू है, ठीक है। पी का जो सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है, ओ ले लेते हैं, ओ पी जो है वो है मान लो 3r/2, ठीक है। और ओ क्यू जो है उसका लेंथ है मान लो r/2, ठीक है। तो P और Q है, तो हमें निकालना है VP माइनस VQ, ठीक है। यस सर। क्लियर है ना, ये VP माइनस VQ। तो सेम वही करना है, OP निकाल लेना, OQ निकाल लेना, फिर कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। यस सर। यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा इसमें हिंट दे देंगे, ठीक है। ये मान लो 5 मीटर का है, ये मान सॉरी इसको 4 ले लेते हैं, ये 4 मीटर का ले लो, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, ठीक है। ये इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ठीक है। इस पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लो 10 टेस्ला का है, ठीक है। ये ओ ले लो, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ठीक है। तो हमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ऐसा मान लो वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो इसके लिए तुम क्या करना ना, तुम ओ ए में तो निकाल लोगे, देखो ओ ए पॉइंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना। यस सर। और तुम यहां से ऐसा करना ना कि इसको यहां से एक लाइन ज्वाइन कर लेना, ठीक है, इमेजिनरी लाइन ले लेना। इसका लेंथ तो पता ही चल जाएगा, 4 है ये, 3 है, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। यस। तो ये जो ओबी लाइन है ना, ये भी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो तुम ओबी का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना, ओए का निकाल लेना, माइनस प्लस करके ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ भी है PYQ में, JEE में, ठीक है। तो इसको इस तरह से करते हैं, डायरेक्ट हम ए बी का ना निकाल के, ठीक है, हम पहले ओ ए निकाल लेंगे और एक इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करके, ठीक है, हम लोग ओ बी का निकाल लेंगे, और जैसे ही निकालेंगे फिर ए बी आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके ओके
जी देखो, एक करेंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट वायर, ठीक है। और इस वायर में क्या हो रहा है, यहाँ पे आई करेंट फ्लो कर रहा है और इससे एक डिस्टेंस पे एक रॉड रखा हुआ है और ये रॉड वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है ना। तो इसमें पूछा है इंड्यूस ईएमएफ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका तो वेलोसिटी वी है और इसका लेंथ एल है, ठीक है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है लेंथ का। लेकिन इसमें दिक्कत है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसके हर एक पॉइंट पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। तो तुम यहाँ से क्या करना, एक्स डिस्टेंस पे जाकर एक छोटा सा लेंथ ले लेना जी एक्स, ठीक है। और इस जी एक्स का तो वेलोसिटी ऊपर ही होगा भी, और इस जी एक्स में क्या कर देना, ई एम एफ निकाल लेना छोटा सा, जो जी ई निकालोगे, ठीक है। और फिर उसको इंटीग्रेट कर देना ए से लेकर ए प्लस एल तक। बोलो, ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार करवा चुके हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में। तो इसमें अब ई एम एफ निकालना है। हाँ जी, ट्राई करोगे आप लोग? ओके, तो इसको एक ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चन है, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है, ये सब एक तरह से होमवर्क है, इसको आप लोग करोगे। क्लास शायद 2-3 दिन बंद रहेंगे, पता है ना। सर। ओके चलो, ये मैं सेंड कर दूंगा जी। बोलो, कुछ पूछना है किसी को? नो सर। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आप लोग का? सर बेसिक्स तो फॉर्मूला की बेस तो क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़े से हाँ एडवांस होते हैं ना, मतलब कुछ दिया ना तो फिर वो जैसे एलिमेंट लेकर करने होते कुछ क्वेश्चन, वो नहीं होते सर। वो देखो, प्रैक्टिस से ही होगा एलिमेंट लेकर, जैसा कि मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया हूँ ना, वेरिएबल वाला, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में भी करवाए थे, फोर्स में भी करवाए, ईएमएफ में भी आ गया ये, ठीक है। इसीलिए इस बार छोड़ दिए हैं, तुम लोग को खुद दे दिए हैं खुद से करने के लिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ना फोर्स में भी करवा चुके हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वाले में भी करवा चुके हैं, फ्लक्स वाले में भी शायद करवाए हैं, फ्लक्स टोटल फ्लक्स का, ठीक है। और यहाँ पे तुम लोगों को दे दिए कि ये खुद से करना है, ठीक है, तो एक बार ट्राई करना, टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करते रहना, ठीक है। हाँ जी चिराग, तुम्हारा ओवरऑल कितना था चिराग, टेस्ट में ओवरऑल कितना था तुम्हारा? वन एटी एट, चलो सही है। अनमोल दिए थे तुम टेस्ट, कितना यस सर, था 89 था सर ओवरऑल। ओवरऑल? 89 ही था, क्यों सर वो डेंगू सही कारण से सर नहीं? प्रेपरेशन थोड़ी कम हुई थी। अच्छा चलो कोई ना, कवर कर लो जो भी हुआ है, ठीक है। कॉल पे यस तुम्हारा सर। कितना था ओवरऑल? सर याद नहीं, अभी देखकर बताती हूँ सुने हाँ, सर, मुझे भी पता नहीं है ओवरऑल। ओके चलो, फिर भी वन कितना, सिक्स वन, वन सिक्स चलो वन सही है, 161। चलो, तो जो भी हो ना, ऐसा करो टेस्ट को ईमानदारी से दो, ठीक है, और टेस्ट दो जितना भी दे रहे हो ना, टेस्ट दो, टेस्ट नहीं छोड़ो, ठीक है, जो भी हो रहा है जितना भी बनेगा ना, लेकिन टेस्ट देना है, ठीक है, और उसको ईमानदारी से दो, सही है। ओके, यस अजी सुने हैं, बोलो, कुछ बोल रहे थे क्या? नो सर। ओके चलो, तो मिलते हैं हम लोग दिवाली के बाद, ठीक है, हैप्पी दिवाली सभी को, हैप्पी दिवाली, सेम थैंक यू, गुड नाइट, टू यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट।